तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है मैं हूँ आपका दोस्त मलिक बाबर अली। तो ये मॉडल हमने तैयार किया है, हमने नहीं, ये इन बच्चों ने तैयार किया है। माशाल्लाह से बहुत मेहनत की है, बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो ये सिकंदर भाई है हमारे, और ये रिजवान भाई हैं, ये वासे हैं, और ये ना वो क्या आप कहें कि ये नकली हैं। आपको पूरा मॉडल जो है वो बैक कैमरे से दिखाता हूँ, चेक करना। तो गाइस ये देखें, ये चीज़ हमने जो इन्होंने बनाई है अपनी तरफ से, जो एक पहाड़ी टाइप है, आप कह सकते हैं पथरीली पहाड़ी। उसके साथ दूसरी पहाड़ियाँ भी बनाई गई हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, फौजी जो हैं इन गाड़ियों के इर्द गिर्द खड़े किए गए हैं। और ये मॉडल की खूबसूरती बनाने के लिए ये देखें कलर वाइज जो इन्होंने स्कीमें लगाई हैं, ये टर्नल बनाई गई है। और ये बस जो है ये टर्नल से आप गुजार भी सकते हैं। और ये देखें ये टर्मिनल, और इसके बाद आगे देखें ये इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर आप देखें किस तरह खूबसूरती से ये हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया गया। और साथ में ये मुकम्मल जो रोड है इसको भी मैप के तौर बनाकर आगे लेकर गए। इसके आगे आ जाए ये हवाई अड्डा, एयरपोर्ट का जो रनवे है, यहाँ पर भी जो हेलीकॉप्टर वगैरह आपको दूसरे तैयारे, जो जंगी जहाज़ भी आपको नजर आएंगे, और फौजी भी साथ सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया गया। तो आगे आए, ये तालाब बनाया गया है, तालाब के अंदर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है, और मछलियाँ इसके अंदर जो है ना ओरिजिनल वाली वो इसके अंदर जो है ये छोड़ी गई। ये देख ले, ये ना वो क्या आप कहें कि ये नकली हैं। तो नीचे से इसको भी, तालाब को भी बहुत खूबसूरती से नीचे से सजाया गया। इसके अंदर खूबसूरत पत्थर जो है रख के, कश्तियाँ जो इसके अंदर रखी हुई है। तो आगे आ जाएं, ये साथ में इन्होंने एक फॉरेस्ट जंगल बनाना, और इसके अंदर भी ये लगाए जानवर, जंगली जानवर भी रखे हैं। तो ये काफ़ी मेहनत की है हमारे छोटे भाइयों ने, और इनको दांत आप दें। आगे आ जाए, ये रोड मैप जो जंगल की तरफ आता है, यहाँ पर इन्होंने नाका भी लगाया है, ये देखें, क्योंकि इधर से जंगली जानवर अक्सर गुजरते हैं, तो इसलिए इधर तक जो है ये इन्होंने ममनू इलाका बना दिया। इधर आ जाए, ट्रेन का हिस्सा एरिया, ये देखें ये ट्रेन बकायदा चलती रही है दो दिन से, और ये चलने वाली ट्रेन है। और ये जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेन के साथ जो स्टेशन के साथ आगे की तरफ जो रोड जाता है, इस साइड पे आ जाए, ये फौजी छोनी की आप कह सकते हैं कि बनाया गया, कि यहाँ पर बकायदा तौर पे बुलेट्स और गन्स वगैरह फौजी खड़े हैं दो टीने लेके। तो आगे साइड पे जो रोड बनाए गए हैं, साथ में ये पहाड़ियाँ छोटी छोटी बनाकर इनको डेकोरेट किया गया है। आगे इस साइड पे आए, ये पहाड़ियाँ, ये जितना भी रोड मैप बनाया गया है बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो ये देखें, ये मेन जो है जितना रोड मैप है ये इसका जो है मेन है, ये चौक इन्होंने बनाया है इसको। तो आगे से ये रोड लेके गए हैं, इस रोड को आगे से डिज़ाइन किया गया, ये सारी इन्होंने बनाया है झोंपड़ी टाइप के जो है ना, ये आगे चार झोंपड़ियाँ बनाई गई हैं, उसके आगे जो है वो जंगल टाइप का जो सारा सिस्टम, उसके अंदर जानवर वगैरह लगाए गए हैं। और ये एक बड़ा खुला मैदान है, और उसके मिड में आपको ये झोंपड़ी वगैरह नज़र आ रही है, और ये सामने जो है मेन इसका हिस्सा, सामने मस्जिद बनाई गई है, उसकी यहाँ पर सीढ़ीज बनाई गई हैं, उस साइड पे एक आपको खाना काबा और मदीना गुंबद हज़रा के आपको नज़र आएंगे। इस साइड पे एक सीनरी वगैरह बनाकर बहुत खूबसूरती से डेकोरेट की गई है। तो इस साइड पे आए, ये देखें, यहाँ से जो ये चौक है इसको डबल रोड की शेप दी गई है। और आगे हुए, ये
तालाब बना के इसको ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ भी रखी गई हैं और इसको खूबसूरती से डेकोरेट किया गया। और ये रोड देख सकते हैं आप, मतलब जितना भी ये पूरा बनाया गया है ना मॉडल, बहुत मेहनत की है हमारे छोटे भाइयों ने, और इनकी हौसला अफजाई की जाए जितने भी की जाए काम में। और जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, इसको डेकोरेट किया है, बहुत काबिल तारीफ है। और हम सोच नहीं सकते कि जिस तरह इन्होंने मेहनत की है यार, दिन रात लगाकर ये पूरा मैप जो है, जो मॉडल है, इसको डेकोरेट किया गया है। तो आए ये देखें, ये हमारे जिन्हों ये छोटे भाई हैं जिन्होंने मेहनत की है बहुत, और इनको दाद दें जितनी भी दे सकते हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया यार। तो ये पूरा मैप आपको इस स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और इस तरफ जो है ये हमारे जो मल्लू खोखर बाबा जंगू शाह सरकार, उनके मज़ार की ये और मैप है, डोली बनाई गई है, और ये इसके अंदर लाइटिंग लगा के इसको भी खूबसूरती से जो है ना बैटरी के साथ चालू किया हुआ है। तो ये सब देखें जिस तरह इन्होंने किया। और थैंक्स वाचिंग एंड गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, और इन छोटे बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूर करना है, और कमेंट में इनको इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर। इनके साथ दो तीन और लड़के थे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और ये आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ ये वीडियो, और आप देखकर इनको जो है इनके हौसला अफजाई के लिए जो है कमेंट्स करें और इनको दाद दें।